राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश एकता अखंडता बनाए रखे हुए है और हमारा देश मजबूत हो, हमारे युवाओं और जन जन के मन में राष्ट्र के प्रति भावना हो, इन सभी विषयों को लेकर हमारी ये तिरंगा यात्रा है। आज पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही है, निश्चित रूप से इससे हमारा देश मजबूत होगा। आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को, देश के उन तमाम उन शहीदों को जिनकी वजह से आज हम हैं, हमारा देश एकता अखंडता बनाए रखे हुए है और हमारा देश मजबूत हो, राष्ट्र भावना हमारे युवाओं के और जन जन के मन में राष्ट्र के प्रति भावना हो, इन सारे विषयों को लेकर के हमारी ये तिरंगा यात्रा है और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को भी और राष्ट्र के उन सभी लोगों को राष्ट्र के प्रति भाव, राष्ट्र के प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को दिशा देने वाली हमारी ये तिरंगा यात्रा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं के अंदर ये प्रेरणा देने का काम किया है, आज पूरे देश में हर गांव में, हर गली में, हर शहर में ये तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा राष्ट्र इससे मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र दुनिया का सिरमौर बनेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आज की इस तिरंगा यात्रा में हमारे पार्टी के लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं उन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।